तेरे पास ना बस 5 मिनट है। अगर 5 मिनट के अंदर तू मुझे नहीं ढूंढ पाया तो मैं दुनिया को तेरा सबसे बड़ा राज बता दूंगा जो तूने मुझे उस दिन रात को 3 बजे बताया था। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या भाई, थकेश शो YouTube इंडिया का सबसे बड़ा शो। इस शो में YouTube के सबसे बड़े क्रिएटर्स जैसे कि भुवन बाम, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, राउंड टू हेल सब आए हैं। इस शो में रोस्टिंग, गप्पे, फन, गेम सब कुछ होता है। और आज हम थकेश शो में चुपके से घुसने वाले हैं। पर क्यों? क्यों क्या? इमेजिन कर, थकेश शो चालू है और शो के बीच में मैं प्रकट हो गया। Yes, उधर थकेश उसका बाइसेप लेके आएगा और तेरे मुंह पे ऐसा जोर से पंच करेगा। मेरा बाइसेप देख, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। अभी लंच ब्रेक को गया है वो। पर एक सेकंड, ये सब तू कैसे करेगा? मुझे लगता है तुझे कोई तो अंदर का आदमी लगेगा। अंदर तो अंदर का आदमी? तुझे कोई तो थकेश का फ्रेंड लगेगा तो तुझे इस मिशन में हेल्प करे। बोले तो ये है वरुण, हमारा अंदर का आदमी। थगेश और वरुण बचपन से एकदम चट्टी बट्टी। अगर थगेश में चुपके से घुसने का ना तो वरुण को एक बार बाटली में उतारने का है बस। क्या बोलता है दोस्त? हाँ कैसा है? डरता नहीं हूँ मैं। तू डरता नहीं? मितपैट भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? आगे का बोलना मितपैट भाई। अच्छे से बोल, पैशन के साथ बोल, नहीं तो नहीं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मितपैट भाई। भाई तू थगेश का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों एक साथ मिलके तगेश के साथ प्रैंक करेंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू? मैं महेश को धोखा नहीं दूंगा। तू अपने आप को भी धोखा देगा। इधर देख कैमरा को देख, चीज सी चीज, स्माइल स्माइल ना दाढ़ी रे। ए, 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 एक काम कर दे, तू मेरा गॉगल रख और तू मेरे को थगेश की चाबी दे। नहीं चाहिए गॉगल। ए, फेंकता क्या है? 20,000 रुपीज का गॉगल है, फेंकता क्या है? एक महीना तेरे को लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तू मेरी मदद करेगा कि नहीं? वरना वरना क्या लेगा, कर क्या लेगा? क्या करूंगा मैं जानना तेरे को, क्या करूंगा मैं? हाँ 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 हाँ। -50 डिग्री सेल्सियस का तूने कभी मजा उठाया है? बैठ इधर। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? ठंडा ठंडा। मैं ट्राई किया था गरम, बस सही पे मिलता है क्या? नहीं 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 नहीं, तू जब तक मेरे को चाबी नहीं देगा थगेश का मेरे को छोड़ेगा नहीं। तू ही तो थगेश का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं उठने नहीं दूंगा तेरे को। तू जब तक मेरे को चाबी नहीं देता मैं तेरे को उठने नहीं दूंगा। बोल बोल मित्र। मुझे बात करना है, थगेश शो की चाबी मेरे पास है। अब ये चाबी लेके मैं जाने वाला हूँ थगेश शो के सेट पे, जहाँ पे मुझे ढूंढना है ऐसी लोकेशन जिधर थगेश मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ओके, ज्यादा आवाज नहीं करते, अभी ना रात के 1 बज चुके हैं और मैं थगेश शो के सेट के बाहर हूँ। खुल गया उनमें। तू इधर क्या कर रही है? जिधर तू जाएगा उधर में आएगी। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मस्त एक्टिंग करते हैं ना हम। देखो मेरे को मालूम था यहाँ पे बहुत अंधेरा होगा, इसलिए उर्मिला भी आई है मेरे साथ। सोफा इधर बैठे थे ना हम दोनों ऐसे। अरे तू ये छोड़ रहे, अभी बैठने को आई है क्या? उठ, लाइट का स्विच। ये देख ये देख ये देख, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, खोल खोल जरा। ये मिल गया, चलो लाइट चालू करते हैं। उसको पता भी नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके नाक के नीचे से आ गए हैं हम लोग। बस लग रहा है इधर बैठ के। इंट्रो करो, इंट्रो करो थगेश से। हां करो। 1 2 3 वेलकम 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 टू द थगेश शो। बहुत बड़ा सेट है ये, मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि मैं कहाँ पे छुप सकता हूँ थगेश। ये है ना, ये है ना, मैं इधर फिट हो सकता है। मैं इधर फिट नहीं होगा। तू इतना लंबा है कि दूर से भी दिख जाता है रे। एक भी जगह नहीं, इतने बड़े स्टूडियो में एक जगह नहीं जहाँ पे मैं छुप सकता हूँ। ये पूरा थगेश का ऑफिस एरिया है, मेरे को लगा ही था थगेश के किचन में प्रोटीन पाउडर तो होगा ही, इसलिए मैंने ये लाया है एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। इसके प्रोटीन शेक में मैं पाव भाजी मसाला डालने वाला हूँ। थगेश तो बॉडी बनाता है, क्या करता है? भाकरवड़ी क्यों है तेरे ऑफिस में? मेरे को लगा थगेश बस डाइट फूड खाता है। ये नहीं है भाकरवड़ी। ये देखो डस्टबिन भी है यहाँ पे, थगेश अपना कंटेंट इसी से निकालता है। थगेश पहले फैशन शो करता था, मिस्टर फोटोजेनिक।
जलवा जलवा मोती से नहीं रसीला से लड़के ऐसे नहीं करते। यहाँ पे छुप सकता हूँ शायद। कोई स्टाफ आके वॉशरूम यूज नहीं करेगा ना। हगेश को अगर हगेश आया तो ये देख मुझे चश्मा भी मिला। कुछ दिखता तो नहीं है, मस्त चश्मा बना है। दिखता ही नहीं है कुछ भी। इतना सेट पे पैसा डाला, चश्मे भी डाल देता, देख टूट भी गया। थोड़ा तो नहीं। अरे ये देख सस्ता फेविक्विक लगा के बनाया है उसने भी। नए वीडियो का एडिटिंग भी चालू है। करे क्या कुछ झोल करे झोल। हगेश इज नूब। ये देखो मैंने साइड में चुपके से रख दिया है। हगेश इज नूब। दिख भी नहीं रहा है। उसको भी नहीं दिखेगा। उसके लेटेस्ट वीडियो में जाके देखो। और थगेश के पास दो दो एयर फ्रेशनर्स है। यहाँ पे इतना प्रोटीन खाता है ऑब्वियसली। थगेश पाद दिया। ये क्या है? डिंग की चड्डी, धूम मचा दे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। यार इसमें तो बस थगेश के सब पुराने फोटोज है। जो भी मैं निकाल रहा हूँ वापस रखना पड़ेगा, नहीं तो उसको डाउट आएगा। सेलो टेप नहीं है मेरे पास, उसको पक्का डाउट आएगा। ये सेलो टेप काटा है वही लगा रहा हूँ। भाई बहुत टाइम पास हो गया, चलो अभी जगह ढूंढते हैं। आधे एक घंटे तक मैं सीक्रेट लोकेशन ढूंढता रहा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर ये बाय द वे वो फेमस स्पॉट है जहाँ पे थगेश अपनी एंट्री लेता है। उर्मिला मैं मारू एक बार एंट्री। एंट्री ले ना मेरे को, तू बीच बीच में क्यों कर रही है? वापस चल। अरे अरे रुक। क्या ये देख, ये क्या है? ये क्या है? देखना ऐसा बॉक्स है, कुछ अलग लग रहा है ना। अनलॉक हो सकता है ये? व्हाट? उर्मिला यहाँ पे खिड़की है। चिपकली कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं नेक्स्ट दिन सुबह चुपके से आया थगेशो के सेट पे। हमने ना सीसीटीवी के ऊपर रुमाल डाला था ताकि थगेश को कभी समझे ही ना कि मैं वहाँ पे आया। इसने किया, ये इसने किया है। रात को तो मैंने चेक किया था, मुझे लगा था कॉन्फिडेंट था मैं, रात को ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। अभी सुबह के देख रहा हूँ, मेरे को लगता तो नहीं है मैं इसमें फिट होने वाला हूँ। फ्लोर के विंडो में मैं बैठा हूँ। जगह देखो कितनी सी है। लिटरली मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जिंदगी में कि यूट्यूब कंटेंट की वजह से मेरे को एसी के वेंट के बाजू में बैठना पड़ेगा। अभी तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। देखो क्या हालत हो गई है मेरी, क्या और क्या करूँ मैं जिंदगी में। भाई ये फुल जगह ओपन है इधर से, और भाई गलती से कबूतर आ गया तो आई थिंक ये अब तक की सबसे क्रेजी चीज होने वाली है। मैंने ऐसे कभी कुछ किया नहीं है। लेकिन उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। थगेश का कॉल आया और वो बोल रहा था वो सेट पे पहुंच रहा था बस 10 मिनट में पहुंच रहा है ना। 10 मिनट में आ रहा था। अरे बाजू हो ना भाई। आई होप कि सब कुछ ठीक से हो जाए। मिशन ओहो के मैंने सब स्टेप्स लिख दिए हैं। नाम मस्त है ना, मिशन ओहो। स्टेप नंबर 1, हमें सुबह सुबह 8 बजे उठना है। देखो सुबह सुबह थगेश शो के सेट पे सब क्रू मेंबर्स आ जाएंगे, कैमरामैन आ जाएंगे, तो मैं उस दिन लेट नहीं उठ सकता। फिर इतना बड़ा मिशन करने जा रहे तो अज्जी का भी आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ये सब होने के बाद हम लोग गाड़ी से निकलेंगे। रुक रुक, कहां जा रहा है? गाड़ी से निकलूंगा ना थगेश शो के सेट पे। ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही सेम आउटफिट में जाएगा, यही थोबड़ा लेके। एक ही तो थोबड़ा, अभी मैं क्या करूँ फिर इसका? अरे तू जाएगा सेट पे, लोग एक सेकंड में जान लेंगे ये मिट पैट है और फिर प्लान फ्लॉप। मतलब कि मुझे अभी मेरा भेष बदलना पड़ेगा? हाँ। पर मैंने कुछ प्लान नहीं किया तो अभी लास्ट मोमेंट में क्या बनूं? मेरे पास एक आइडिया है। तेरे को सीरियसली लगता है मैं ये लुक के साथ जाऊंगा? ऑब्वियसली जवान है। ला 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 ला। भाई ये मैं बन के नहीं जा सकता उधर, ऐसे रास्ते पे जाऊंगा ना मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। डोंट वरी, मेरे पास प्लान बी भी है। मैं बनूंगा एक एसी वर्कर। हाँ देखो जहाँ पे मैं छुपने वाला हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ा एसी है, तो अगर मैं सेट पे एसी वर्कर बन के गया तो किसी को डाउट ही नहीं आएगा। तू कितना स्मार्ट है रे मिथिलेश। ताली बजा। तो देखो थगेशो का सेट मेरे घर से बस 20-25 मिनट दूर है, लेकिन मुंबई का ट्रैफिक पकड़ के मैं जल्दी निकलूंगा, मेरे को लेट नहीं होना। इमेजिन करो थगेश
एंट्री मार रहा हूँ तभी सामने से मैं आ जाऊँ। वरुण ने मुझे एक लोकेशन भेजा जहाँ पे मुझे मेरी गाड़ी पार्क करनी है। वो खुफिया लोकेशन पे एक खुफिया पुराना संडास भी है। शो के सेट पे पूरी टीम बिजी होगी कैमरा चेक करने में, लाइट्स चेक करने में, थगेश का मेकअप हो रहा होगा, तो ये सब कुछ होने तक थगेश सेट पे नहीं आएगा। एक्शन बोलने तक थगेश अपने ऑफिस में ही होगा। फिर सही समय पर वरुण मुझे कॉल देगा कि सेट पे सब कुछ क्लियर है, तू आ जा। ओवर एंड आउट। गाइस कॉल आ गया। अब तक सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। मैं थगेश के टीम मेंबर के साथ सेट की तरफ जा रहा था तभी वरुण का कॉल आया। वरुण ने अचानक से पैनिक करके बोला कि भाग के ऊपर आ जा। सो हम दोनों दौड़ के सेट पे भागे जो सेकंड फ्लोर पे था। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अचानक क्यों भाग रहे हम लोग। सेकंड फ्लोर पे वरुण हमारा इंतजार कर रहा था। वहां पे बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे, लेकिन मुझे क्या, मैं तो एसी रिपेयर करने आया हूँ। मैं मेरा मुंह नीचे झुका के चुपचाप खिड़की के पास गया। इस वक्त थगेश अपने ऑफिस में टाइम पास कर रहा था। जल्दी से मैंने मेरा बैग वगैरह सब कुछ अंदर डाल दिया और मैं खुद घुस गया। बहुत पैनिक सिचुएशन था, लेकिन मैंने कैसे तो खुद को अंदर फिट किया और वरुण को बाय बोला। मैं जब सुबह 8 बजे उठा तब मैंने खुद को बोल दिया था कि अगर ये मिशन फेल भी हो जाए तो भी उदास नहीं होना, लेकिन कैसे तो करके मैं सक्सेसफुली थगेश के अंदर घुस गया था। बाय द वे मैं एकदम राइट टाइम को वहां पे पहुंचा, क्योंकि मेरे घुसते ही दीवार के वो बाजू थगेश चालू हो गया था। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास बस एक ही चांस था अंदर घुसने का। गलती से भी अगर किसी ने भी मुझे देख लिया होता ना तो पूरा मिशन फ्लॉप हो जाता, लेकिन कैसे तो हमने कर दिखाया। घुसते ही सबसे पहले मैंने उर्मिला को वीडियो कॉल करके बताया कि मैं छुप गया हूँ, क्योंकि वो घर पे फुल टाइम टेंशन में थी। अरे हाँ, एक और चीज, मेरे और थगेश शो के बीच में बस एक दीवार है, तो मैं यहाँ पे जोर से बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिना मुंह खोले तुम लोग से बात करूंगा। 20 minutes later. अंदर आके 20 मिनट हो गए थे, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और फिर दीवार के वो बाजू म्यूजिक बजा। लेफ्ट साइड को हमारा थगेश एंट्री ले रहा था और मैं दीवार के ये साइड पे एंट्री ले रहा था। एंट्री लेके वो अपने सीट पे बैठ गया और बड़बड़ करने लगा। जब तक वो बड़बड़ कर रहा है तब तक मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लाया मेरे साथ। मुझे अंदर ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बिताने हैं, इसलिए मैंने ये पिलो लाया मेरे साथ। ऑब्वियसली पानी की बॉटल, क्योंकि दोपहर के 3 बजे यहाँ पे बहुत धूप है, तो मुझे डिहाइड्रेशन जुबान सफल रही है। लेकिन मैं बस एक ही सिप लूंगा, क्योंकि अभी मैं सुसु करने कहीं पे जा नहीं सकता। ऑफ कोर्स मैंने खाना लाया है। देखो, मुझे केला वेफर लाना था, लेकिन केला वेफर का एक प्रॉब्लम है कि उसको चबाते वक्त आवाज होता है, इसलिए मैंने केला लाया है। आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। पास। केला खाते वक्त एक प्रॉब्लम हो गया। मेरी नजर सामने वाली दीवार पे गई एंड मुझे वहां पे क्या दिखा, एक चिपकली। इसके पहले कि थगेश हमें ढूंढने, मुझे यहाँ पे और 1-2 घंटे बिताने हैं, लेकिन तब तक टाइम पास करने के लिए मैं ये डोरेमोन की कॉमिक पढ़ने वाला हूँ। अभी इस वक्त को ना मेरे लेफ्ट में गौरव भाई और ऋतु भाभी अपनी एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे मैं नोबिता और शिजुका की प्रेम कहानी पढ़ रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या है? जियान की बहन जेको कितनी भयानक दिखती है। इसके अलावा टाइम पास करने के लिए मैंने एक वीडियो गेम भी लाया है, और हाँ, मैंने एक और चीज लाई है मेरे साथ, कबूतर रिपेलेंट झाड़ू। देखो, मैं सेकंड फ्लोर की खिड़की में बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई कबूतर मुझ पे अटैक करे, इसलिए झाड़ू बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्योंकि मैं इतना टॉल हूँ तो मुझे बीच में 2-3 बार क्रैम्स आए और मुझे खड़ा रहना पड़ा वहाँ पे। मैं जब ऊपर उठा तभी मुझे ऊपर के साइड को एक ओपनिंग दिखी, उस ओपनिंग से फिर मैंने मेरा कैमरा अंदर डाला और मुझे पूरा का पूरा सेट दिख रहा था। ये लोग मस्त अपना आराम से एसी में सोफे पे बैठ के हंस रहे थे, गप्पे मार रहे थे, और उसी बीच मैं दीवार की ये बाजू गर्मी में मर रहा था। बहुत ज्यादा गर्मी थी, ऊपर से मैं एसी के वेंट के बाजू में बैठा था और दोपहर के 3 बजे थे। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे मैं अंदर बैठा था, मारियो खेल रहा था, और फिर वो वक्त आ गया। तुम लोग को मालूम है थगेश शो में एक मीम सेगमेंट होता है जिसमें गेस्ट बस हंसते रहते हैं। तो आज के एपिसोड के मीम सेगमेंट में थे टोटल 3 वीडियोस। 2 वीडियोस जो थगेश को मालूम थे क्योंकि उसने खुद बनाए थे, और 1 वीडियो जो थगेश ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं कहा। महेश, दो मीम्स नहीं है, एक और मीम है, एक सरप्राइज मीम है तेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए क्या बात? ओह भाई, ये ओह क्या चल रहा है थगेश? हेलो गौरव भाई, कैसे हो? आई नो तुमने स्क्रीन पे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की। अचानक से ये क्या हो गया? क्यों हिला डाला ना, तू और शॉक होने वाला है। व्हाट इफ आई टेल यू मिस्टर थगेश कि मैं इस वक्त तेरे शो में हूँ? आई नो चौक गया। चिल ब्रो, चिल। तेरे नाक के नीचे से मैं तेरे शो में आ गया और तुझे समझा ही नहीं। चल अभी गेम खेलते हैं, तेरे पास ना बस 5 मिनट है। अगर 5 मिनट के अंदर तू मुझे नहीं ढूंढ पाया
तो मैं दुनिया को तेरा सबसे बड़ा राज बता दूंगा जो तूने मुझे उस दिन रात को 3 बजे बताया था। अरे नहीं महेश, अरे नहीं टाइम स्टार्ट्स क्या नाउ। क्या भाई, भाई चल गया राज, क्या अरे कहां ढूंढू, उठ के जाओ। क्या भाई उठ के जाना है क्या, क्या ढूंढना है, इसके अंदर कौन छुपन छुपाई खेल रहे हो क्या? कौन है भाई? बेडरूम में वेट कर रहा हूँ भाई। सस्पेंस क्या, ऐसे मत करो यार। मेरा कैरेक्टर टूट गया। तकेश मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहा था तो मुझे बेचारे पे थोड़ा सा तरस आया तो मैंने नॉक कर दिया। भाई ये क्या है? है? क्या मजाक कर रहे हो? अभी दीवार खुलती है? अरे साला पैसा इतना लगा रखा है क्या? What the? तू इधर कब से बैठे? क्या मजाक कर रहे हो? तू बाहर आ, क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग? पहले ये कब छुपा है? ये कब आया? कितने बजे आया? मेरे को लगा नहीं था एक्चुअल बंदा होगा। रिस्पेक्ट। सक्सेसफुली स्नीक्ड इनटू द थगेश शो। बहुत डेंजर आदमी है। आज मैं मान गया। रिस्पेक्ट। बहुत डेंजर आदमी है। वो बोले ना वो आता स्टैंडर्ड होता है वो। क्या हम भीख मांगते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड छोटे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय, सी यू टाटा। बाय। चलिया तेरी ओर तेरा, चलिया तेरी ओर तेरा, होया मैं यार तू हुड़े यार संसार में।